हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के चोखे की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। इसको आप चावल के साथ सर्व कर सकते हो, चोखा लिट्टी के साथ में भी सर्व किया जाता है, या फिर पराठा नॉर्मल रोटी के साथ में भी इसको सर्व करते हो तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर ले रही हूँ जिसको मैं अच्छे से गैस पे सेक रही हूँ, और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके अंदर जीरा और लहसुन डालेंगे और अच्छे से इसको हम लोग को भून लेना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसको। और यहाँ पर आपके पास अगर सूखी लाल मिर्ची हो और वो थोड़ी सी कड़क नहीं हो, सॉफ्ट हो, तो आप इसके अंदर डाल सकते हो। मेरी फ्रीज़र के अंदर रखी हुई है तो वो एकदम कड़क हो चुकी है, तो मैं उसको वैसे ही पीस लूँगी इसके अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे लहसुन का भी हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर मैं इसको तोड़कर भी देख रही हूँ। तो ये एकदम अच्छे से भून गई है, तो इसको ठंडा कर लेंगे और अच्छे से हाथ से इनको सबको तोड़ लेंगे। और जब ये अच्छे से सब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे तब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी सूखी लाल मिर्ची। तो यहाँ पर मैं दो सूखी लाल मिर्ची ले रही हूँ और इसको भी हमें हाथ से अच्छे से इसको मैश कर लेना है एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इसको अगर आप दाल चावल के साथ सर्व करते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और यहाँ पर टमाटर भी मेरा अच्छा ठंडा हो चुका था। आप चाहो तो टमाटर की स्किन को निकाल कर उसके बाद में भी इसका छोटा छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो। और अच्छे से इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसकी चटनी के जैसा बना लेंगे इसको। तो यहाँ पर ये हमारा एकदम अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाले तो नहीं डाल रही हूँ, बहुत कम मसालों में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और एक बार इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पर मेरी गैस की फ्लेम अब बंद हो चुकी है और उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे हम लोग कद्दूकस, कीवी, अदरक। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहो तो बारीक चॉप करके भी अदरक को ले सकते हो। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक प्याज जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है, और यहाँ पर मैं 3 से 4 आलू ले रही हूँ जिसको मैंने हाथ से रफली चॉप करके लिया। आप चाहो तो पूरा मैश करके भी ले सकते हो और अच्छे से इन सबको मिक्स कर देना है। हम यहाँ पर लाल मिर्ची नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर में हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके ले सकते हो, नहीं तो लाल मिर्ची अगर आपकी स्पाइसी है तो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आने वाला आलू का चोखा, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, तब तक इंजॉय करिए।